प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक के हासी में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि हासी का एक परिवार गुरुवार को रोहतक में हरियाणा राज्य महिला आयोग की वर्तमान चेयरपर्सन प्रतिभा सुमन के पास गुहार लेकर पहुंचा और विमुक्त घुमंतू विकास बोर्ड के चेयरमैन बलवान सिंह ने इस परिवार की पैरवी की। दरअसल इस परिवार की 14 साल की एक नाबालिग के साथ उसी के रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया और अब 14 साल की ये नाबालिग करीब 7 महीने की गर्भवती है और इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही और पीड़ितों को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरे को बुलाते थे तो मेरे को कुछ खिलाते थे जी, ठंडा चाय वाय पिलाते थे तो हम पीते थे, तो उसमें पता नहीं क्या तो क्या था क्या नहीं, तो मैं पी लेती थी तो मैं बेहोश हो जाती थी, तो उसके बाद कोई नहीं दिखता था, तो वो लड़का दिखता था मेरे को। वो कितने साल का है लड़का? 14 साल का। तो आप जिनके घर चाय पीते थे ये क्या लगते हैं आपके? बुआ का लड़का, बुआ की लड़की थी जी। मेरी लड़की है 14 साल की जी। हमारे आड़ोस पड़ोस ने जिस करे है ना, मेरे को तो न्याय चाहिए। क्या हुआ है? मेरी लड़की रेप कर जी मेरी लड़की के साथ। कौन है वो? आस पड़ोस के है मेरे, रिश्तेदारी में जी। ऐसे लड़के के साथ हुआ ना तो मेरे को तो ना जी, मैं तो गरीब हूँ और 14 साल की है जी लड़की। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? नहीं करी जी। मेरी कहीं सुनाई नहीं। मैं तो ये चाहती जी, मेरे को तो इंसाफ चाहिए। वही ऐसे में पीड़ित परिवार ने महिला आयोग की चेयरपर्सन के सामने अपनी व्यथा सुनाई। बता दें कि 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शुरुआत पिछले साल नवंबर से हुई और उसके बाद से एक रिश्तेदार के पुत्र ने अब तक लगातार उसको अपनी हवस का शिकार बनाया और थोड़े दिन पहले जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि नाबालिका 7 महीने की गर्भवती है और इस समय गर्भपात करवाना भी संभव नहीं है। 14 साल की है बच्ची, जो मुझे रात को ही पता चले इनके बारे में और आज हम इनके साथ आए हैं। ये विमुक्त घुमंतु के चेयरमैन है, इनके थ्रू मेरे को पता चला और यहाँ मैडम जी के पास आए थे इनके लिए। वो बच्चा भी छोटा है और लेकिन इनकी पूरी गैंग है, एक पूरी फैमिली है। जो एक लड़की थी वो इसको लेके जाती थी बहला फुसला के और कुछ पिला वगैरह थे, फिर इसको जो भी कुछ हुआ बाद में। और वो लड़का है जो छोटा है, 14 साल का नाम लिया, उसका 7th क्लास का है। मुझे नहीं लगता भी वो इन्वॉल्व हो इसमें, मुझे लगता है उस लड़के का फादर इन्वॉल्व है पूरी तरह से। और इसी वजह से है भी इसको भी डराया गया धमकाया गया और बच्ची नहीं बता रही है अभी कुछ भी क्या है क्या। इसे होश ही नहीं था भी, सामने जब वो देखती थी उस बच्चे को देखती थी। और मैं श्योर हूँ इस बात के लिए भी उसके फादर का रोल है इसके अंदर, उस बच्चे का रोल नहीं है, वो 7th क्लास का है। बाकी पुलिस अच्छे से कार्रवाई करे और इसे इंसाफ मिले और पता चले। और ये 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है, अब इसके क्या है, बच्ची है, ये खुद बच्ची है, इसके केयर कौन करेगा अब? ना पुलिस ना पेरेंट्स है, कितने दिन करेगी? इस बच्चे को तो पता होना चाहिए ना क्या है क्या नहीं है, ये किसके पास जाए अब, इसके भविष्य का क्या होगा? ये जो नौ परिवार हाँसी में अभी रह रहे हैं, आमने सामने घर हैं। और कल परसों मेरे को सत्यवान है हमारे भतीजे, उसने मेरे को बताया भाई चाचा जी ऐसे से ये घटना होगी, लड़की 7 महीने की प्रेग्नेंट है और अनमैरिड है। क्योंकि हमारे समाज में छोटी लड़कियों को ब्याह जाता है जो घुमंतू जाती हैं, लेकिन 12-13 साल की ब्याही भी जाती हैं, लेकिन ये लड़की अनमैरिड है। डिटेल में सारा कुछ बताया गया भाई, इनके राहगीर रिश्तेदारों ने मिल के ये एक षड्यंत्र था उस लड़की के सारा भी, उसको दवाई पिला के बेहोश किया जाता था। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है इस मामले में वो लड़का दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि 7th क्लास में है, दवाई नहीं ले आ सकता बेहोश करने की। उसके फादर और एक लड़का और है 18 साल का, वो उसके चाचे का लड़का है, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अब तक 15-16 दिन हो गए, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये भी कोशिश बीच में भी करी गई भाई लड़की का अबॉर्शन गिरवा दे, लेकिन ले भी गए हैं, उसमें रिकॉर्ड भी है, डॉक्टर ने मना करने के बाद वो मना कर दिया, लेकिन अबॉर्शन हो जाता, लेकिन अबॉर्शन नहीं हुआ। उसके बाद लड़की ने अपने माताजी को बताया भाई मेरे पेट में दर्द हो गया, ऐसे ऐसी बात होगी।
लेकिन समाज ने भी इकट्ठा कराया, समाज को भाई हमने शादी करने की सोची, भाई शादी हो जाए, लेकिन वो उसके फादर मना कर गए, क्योंकि फादर मेन रोल है फादर का उसमें, मैं जो भी लड़की प्रेग्नेंट हुई है, एक लड़का 18 साल का है। और एसपी साहब से बात करी थी, एसपी साहब कहता है भाई हम अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, कल बात करी थी एसपी साहब से, जब तक डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाती। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब महिला आयोग की चेयरपर्सन ने पूरी बात सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज एक लड़की का मामला मेरे सामने आया, डॉक्टर बलवान सिंह हैं जो हमारे घुमंतु आयोग के चेयरमैन हैं, उनके मार्फत मुझे जानकारी मिली। और आज जो कंप्लेनेंट हैं, जो लड़की है, लड़की की माँ और उनका पूरा परिवार मेरे से मिलने के लिए यहाँ रोहतक के अंदर मेरे ऑफिस में आया। और जो लड़की से बात हुई, एक रेप का इंसिडेंट, जो 7.5 महीने की प्रेगनेंसी और 14 साल की ये लड़की है, तो मतलब ये सोच के और जान के बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि परिवार के ही किसी, जो आस पड़ोस का ही एक लड़का है और उसके उसका पूरा परिवार इस इंसिडेंट में शामिल है। जो लड़की ने मेरे सामने जो बयान दिए हैं, लड़की ने और लड़की की माँ से जो बात हुई है कि लड़की को दबाव डाल करके लड़के की बहन अपने घर में बुलाती और उसको कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से कुछ नशीला पदार्थ उसके अंदर डाल करके उसके नशे की हालत में कर दिया जाता और बस उसके बाद लड़की को कुछ भी नहीं पता लगता कि मेरे साथ क्या हुआ है, किसने क्या किया है। जब उसको होश आता तो उसने बताया कि मुझे मेरे सामने एक 7th क्लास का लड़का, जो 14 साल का, जो इसका मतलब आसपास का ही मतलब एक भाई की तरह ही था, तो वो लड़का ही सामने आता। तो दुर्भाग्य की बात ये है कि पुलिस की भी नाकामी कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आती है। उन्होंने जैसे वैसे तो FIR दर्ज हुई, पोस्को के तहत पूरे सेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। तो हांसी के जो SP हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। इस केस के जो IU हैं, जो DSP हैं राजबीर सिंह जी, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि इतना सेंसिटिव मामला होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी ढील क्यों बरती। अब ये मामला बाल कल्याण के अधीन हम देंगे, जिनकी चेयरपर्सन ज्योति बैंदा है वो इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और CWC भी इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगी। मैं इस परिवार को और इस बेटी को पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, इसकी जिम्मेवारी हम सब लेंगे और जो आरोपी हैं, आरोपियों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाएंगे, इस बेटी को जरूर मिलेगी। दरअसल मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे मामलों को लेकर कड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में फिर भी कोई कमी नहीं आ रही है। दरअसल ये सब लोगों की मानसिकता का फर्क है, जो ना जाने अब किस कदर गिरती जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि नाबालिग बच्ची को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।